गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर सेवन फेयर प्ले एंड वी हैव डन द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट. एंड द लेडी जो आंट थी उन्होंने अलगू से बात करी कि तुम्हें सही का साथ देना चाहिए. द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग अंडर ओल्ड बैनियन ट्री. उसी शाम को जिस शाम को उस ओल्ड लेडी ने बात करी थी अलगू से, है ना, उसी शाम को पंचायत हुई उसी एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. जो वॉइस है, जो पंचों की आवाज है, वो ही भगवान की आवाज है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. मेरी आंट को क्या करने दो, पंच डिसाइड करने दो, उनका हेड पंच, और मैं क्या करूं, जो पंचों का जो हेड है वो मेरी आंट को डिसाइड करने दो और जो भी उनका डिसीजन होगा मैं उस पर खरा उतरूंगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस. जो पंच होता है वो ना ही किसी का दोस्त होता है, ना ही किसी का दुश्मन होता है. इसके बारे में क्या कहना है आपका, अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है, द लेडी अनाउंस. तो उसने अलगू को अनाउंस कर दिया. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. अब जो जुम्मन ने कहा ठीक है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया ये अनएक्सपेक्टेड, जो उसके पास उसका जो लक काम कर गया कि उसके जो दोस्त ही है वो हेड पंच है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारा दोस्त अगर कुछ बन जाए हमारे फेवर में तो हम बहुत खुश होते हैं. फाइन, रिप्लाइड चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. तो अलगू ने कहा, चाची आप मेरी फ्रेंडशिप के बारे में, मेरी दोस्ती के बारे में जानते हैं जो अलगू के साथ है. आई नो, रिप्लाइड द आंट. आंट ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो अपनी अंतर आत्मा है उसे नहीं मारोगे सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, मतलब फ्रेंडशिप के लिए तुम अपनी आत्मा का मार नहीं दोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. पंचों के जो हार्ट में कौन रहता है, भगवान बसते हैं. एंड हैज हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. और जो उनकी वॉइस होती है वही भगवान की आवाज होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. और ओल्ड लेडी ने अपना केस बता दिया. जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड. हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. आपकी जो आंटी है ये मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी आपको है. नाउ आई एम अ पंच. पर अभी मैं क्या हूं, एक पंच हूं. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. अभी मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो. वॉट मस्ट यू हैव टू से इन योर डिफेंस. तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो. थ्री आवर्स अगो बिगेन जुम्मन. तीन साल पहले जुम्मन ने कहा, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी. एंड आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. और मैंने उन्हें सपोर्ट प्रोमिस किया कि जब तक वो जियेंगी उनकी देखभाल मैं ही करूंगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैं जितना कर सकता था उतना किया मैं. देन देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ. अब थोड़े टाइम से मेरी वाइफ के बीच में और आंट के बीच में बहुत लड़ाइयां हो रही है. बट आई कांट स्टॉप इट. मैं इन्हें स्टॉप नहीं कर सकता. दैट्स माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस ऑन फ्री. और इसी कारण जो मेरी आंटी है वो मुझसे मासिक भत्ता मांग रही है. दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स ऑल आई हैव टू से. और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मुझे उनको मासिक भत्ता देना. यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स. आप पिक्चर में देखेंगे अलगू है, आंट है, सब है. जुम्मन भी है यहाँ पे क्योंकि वो मॉमडन है. इज वियरिंग अ कैप. तो क्रॉस एग्जामिन किया गया विपक्षों के थ्रू. एंड अलगू अनाउंस. अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने ये जो मैटर है इसको बहुत ही केयरफुली क्या किया है, एग्जामिन किया है. इन आर ओपिनियन, हमारे नजरिए में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस. जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना ही होगा. और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. और अगर नहीं देगा जो प्रॉपर्टी है उसको चली जाएगी वापिस आंट को. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर. उस दिन के बाद जो दोनों फ्रेंड्स है वो कभी कभी ही साथ दिखाई देते, बिल्कुल न के बराबर सेल्डम. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. जो उनके बीच में एक दोस्ती का धागा था वो टूट चुका था.
इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. और इनफैक्ट अगर हम कहें कि जुम्मन तो क्या बन गया था, अलगू का दुश्मन बन गया था इसके बाद, क्योंकि उसने उसका साथ नहीं दिया और अब वो क्या लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता. तो चलिए आज हम पार्ट टू कर लिया है और इसके जो हम दो कर लेते हैं ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड में सबसे पहले आप पैसेज रीड करेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे. सबसे पहला है फर्स्ट नेम ऑफ द स्टोरी एंड इट्स राइडर. कौन है इसकी स्टोरी, स्टोरी का नाम, स्टोरी का नाम है स्टोरी फेयर प्ले. राइटर प्रेमचंद. कौन है, प्रेमचंद है इसके राइटर. व्हाट अरेंजमेंट बिटवीन जुम्मन एंड हिज ओल्ड आंट, उनके बीच में क्या अरेंजमेंट हुआ था, क्या समझौता हुआ था. द अरेंजमेंट look after the aunt क्या जुम्मन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद वो जुम्मन उसका ध्यान रखेगा, आंटी का ध्यान रखेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड जुम्मन एज वेल एज वाइफ हरास द ओल्ड वुमेन. कैसे हरास करते थे, कैसे परेशान करते थे. दे क्वारल विद द आंट इवन फॉर द लिटिल फूड. खाने के बाद पे भी वो उनसे लड़ाई करते थे. नेक्स्ट है हर पेशेंस रैन आउट. व्हाट डिड शी डू टू देन टू गेट जस्टिस. शी वेंट टू पंचायत टू गेट जस्टिस. उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो पंचायत जाएंगी टू गेट जस्टिस. नेक्स्ट है नेक नाउन बनाने हैं आपको. पेशेंट, पेशेंट का बन जाएगा पेशेंस. Tiredness and indifferent का बन जाएगा noun बनाने हैं noun indifference. कर लीजिए फटाफट से इनको copies में. Hurry up everyone, do it fast. ठीक है, आज हम ये वाला क्वेश्चन आप कॉपीज में कर लेगा, यहीं तक करेंगे. थैंक यू.